नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, एम ई ऑटोमोबाइल, पीएचडी, इंडियन पेटेंट एजेंट 3339, और आपके सामने हाजिर हूँ पेपर 2 का कॉन्सेप्ट लेके, इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्राफ्टिंग का। इसका ये पार्ट 1 है, तो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। बस आप ऐसे ही पेपर 1 पेपर 2 के सॉल्यूशंस चाहते हैं, अगर आप इंडियन पेटेंट एजेंट बनना चाहते हैं, या फिर आप पेटेंट का नॉलेज लेके, ये सारी चीजों का नॉलेज लेके अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो सही जगह पर है। सब्सक्राइब बटन नीचे ही है, क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। टाइटल, सबसे पहली बात है, किसी का भी एक टाइटल रहता है, आपका एक नाम है, दैट इज योर टाइटल। बट फिलहाल हम बात करें किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस का टाइटल, तो उसमें क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो सभी को पता होता है कि टाइटल क्या है, कैसे बनता है, मगर क्या क्या चीजें नहीं लिखनी है उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं। तो पहली चीज है, इन्वेंटर अपना नाम न डाले, जैसे कि जयवीर डिवाइस, मेरा नाम जयवीर है तो जयवीर डिवाइस, ऐसा नहीं चलेगा। एमिशन रिडक्शन डिवाइस, परफेक्ट। अ टूथब्रश विथ एनहांस्ड रिजल्ट्स, वेरी गुड। इस तरीके से प्रोडक्ट का नाम डाले, प्रोसेस का नाम डाले, बट पर्सन का नाम ना डाले। द वर्ल्ड पेटेंट, पेटेंट नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी हम अप्लाई करते हैं तब हम एप्लीकेंट होते हैं, तो एप्लीकेशन है वो, शायद हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए, तो पेटेंट नहीं लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वर्ड्स इन अदर लैंग्वेजेस, किसी को लगा कि मैं रोमन में कुछ लिख दूं, नहीं चलेगा। किसी को लगा मैं कुछ ग्रीक में लिख दूं, या कुछ ब्रिटिश, जापानीज, कोई और लैंग्वेज में लिख दूं, तो नहीं चलेगा। इंडिया में आप 2 तरीके से पेटेंट फाइल कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो हिंदी में ही लिखना होगा अगर हिंदी में सिलेक्ट किया तो, इंग्लिश में लिखना है अगर इंग्लिश से सिलेक्ट किया तो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ड्राफ्टिंग का। और एक और चीज ध्यान रखने जैसी है, यूसेज ऑफ एब्रिविएशन सच एज एक्सेट्रा, फैंसी वर्ड सच एज बेस्ट फर्नीचर। ये बेस्ट फर्नीचर क्या होता है, अगर उसका कोई पर्टिकुलर, उसका कोई एनहांसमेंट है तो उसके बारे में बात करिए। बेस्ट फर्नीचर, ऐसा कोई वर्ड मत यूज कीजिए। एक्सेट्रा, ऐसा कोई वर्ड टाइटल में यूज करना अवॉइड कीजिए, ऐसा कोई वर्ड यूज ना कीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अ टूथब्रश इंक्लूड क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर दैट एनहांस क्लीनिंग। एक टूथब्रश है जो इंक्लूड कर रहा है क्लीनिंग एलिमेंट को, जो सपोर्ट कर रहा है मेंबर्स दैट एनहांस क्लीनिंग एंड यूजर कंफर्ट व्हाइल ब्रशिंग। तो क्लीनिंग के लिए एनहांसमेंट कर रहा है और यूजर की कंफर्ट बढ़ा रहा है। द क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर परमिट अ हेड ऑफ द टूथब्रश टू बी कंफर्टेबली रिसीव्ड एंड मैनिपुलेटेड विद इन द यूजर हेड। तो जो उसका हेड है ना, वो कंफर्टेबली यूजर के हेड के अंदर चला जाता है। ईच फ्लेक्सिबल क्लीनिंग एलिमेंट सपोर्ट मेंबर हैज फ्लेक्सिबल स्टेम फॉर्मड ऑफ रेजिलिएंट मटेरियल। तो जो उसके अंदर स्टेम रहते हैं ना, वो भी रेजिलिएंट मटेरियल के बने हुए हैं। अब इसके लिए आपको टाइटल देना है, इस एब्स्ट्रैक्ट के लिए। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, टाइटल चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका टाइटल क्या होगा, और उसके बाद में मैं रिवील करता हूं। तो 4, 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। अगर अभी तक नहीं किया है तो पॉज कर देना, आंसर देना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर है इसका, टूथब्रश दैट प्रोवाइड्स एनहांस क्लीनिंग एंड कंफर्ट। बस आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने आएगा, बस सब्सक्राइब की देरी है। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेट मैं रहूंगा और ज्यादा ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। वैसे एक बात है, अभी जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ना, वो प्लेलिस्ट है MCQ की एंड पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।